टेस्ला, GWM और अनेक चाइनीज कंपनियों को टक्कर देने के लिए महिंद्रा ने अब पूरी तरीके से कमर कस लिया है। हाल ही में महिंद्रा ने ऐलान किया कि वो यूरोप के मार्केट में पहली भारत में बनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने जा रही है। और ये गाड़ी ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, इस गाड़ी का जो महत्व है वो भारतीय नज़रिए से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यूरोप की सबसे सस्ती गाड़ी होने वाली है, जिसके अंदर आपको 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिलेगा। हाल ही में 2020 में चल रहे इंडियन ऑटो एक्सपो में महिंद्रा ने पेश की थी अपनी महिंद्री XUV300 को, और यहाँ पर यह गाड़ी जब भारतीय बाज़ार में दिखाएगी तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। और यहाँ पे कंपनी ने ऐलान किया है कि इस गाड़ी की एक एक पुर्जा जो भी बनेगी वो प्योर मेड इन इंडिया होगी, और ये गाड़ी सीधा ही एक्सपोर्ट की जाएगी यूरोपियन कंट्री में। अभी तक भारत में कोई भी शायद ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी प्योर इन इंडिया कोई कंपार्टमेंट बनी हो। यहाँ पर महिंद्रा ने एक और चीज़ यहाँ पे दावा किया कि जो चाइनीज़ कंपनियाँ होती हैं, चाइनीज़ उद्योग है, वो जो लिथियम आयन सेल्स देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉल्टी रहते हैं और काफ़ी ख़राब क्वालिटी के होते हैं। तो इस बार महिंद्रा ने इसको अपने घर में ही बनाने का फैसला किया है, मतलब इस गाड़ी का जो बैटरीज होगी वो प्योर मेड इन इंडिया होने वाली है। तो इस खबर के बाद हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में महिंद्रा मोटर्स यूरोप में काफ़ी बड़ा धमाका कर सकती है, और ये यूरोप में मिलने वाली अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। दोस्तों बात करें महिंद्रा की XUV300 इलेक्ट्रिक की, तो दोस्तों ये गाड़ी पूरी तरीके से बेस्ड होगी महिंद्रा की XUV300 पेट्रोल वेरिएंट पर, और इस गाड़ी एक SUV मॉडल है जिसके अंदर 5 लोगों के लिए बैठने की जगह देखने को मिलेगी। दोस्तों ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने में लगी कि मात्र इसे फुल चार्जिंग से 1 घंटे, वहीं अगर आप इसे एक नॉर्मल होम चार्जिंग से चार्ज करेंगे तो 5 से 6 घंटों में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। और इसी के साथ साथ महिंद्रा ने एक ऐसा यहाँ पर काम कर दिखाया है जिसको सुनकर हम सभी भारतीयों को गर्व होगा कि अब मेड इन इंडिया कार्स जो होगी वो दुनिया भर में बिकेंगी। कैसी लगी आपको ये खबर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखा जाए तो धीरे धीरे इंडिया में हर कंपनी विदेशी कंपनी को टक्कर दे रही है, जैसे कि अभी हाल ही में टाटा ने भी अपना बैटरीज को भारत में बनाने का फैसला किया, टेस्ला को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रवैग आ चुकी है। ऐसे ही बहुत सी कंपनियाँ धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है, क्या ये गाड़ी यूरोपियन मार्केट में हिट होगी या फ्लॉप, ज़रूर बताएं इस बात को कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो को इतना है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल करिए सब्सक्राइब और भी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की खबरों को जानने के लिए।